अब दवा खरीद मामले में दिल्ली सरकार के खिलाफ एलजी ने दिए सीबीआई जांच के आदेश, नियमों को तोड़कर दवाएं खरीदने का आरोप। दवा खरीद में गड़बड़ी और सरकारी अस्पतालों में एक्सपायरी दवा के सैंपल को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरा। मनोज तिवारी ने कहा, दिल्ली वासियों की जान से खिलवाड़ कर रही है सरकार। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने सीएम केजरीवाल को फिर से जारी किया समन, 3 जनवरी तक पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी के समन पर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय का बयान, केजरीवाल ने समन पर अपना स्टैंड क्लियर किया था, तीसरे समन का जवाब समय आने पर दिया जाए। लैंड फॉर जॉब्स के मामले में ईडी ने तेजस्वी यादव को भेजा समन, 5 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया, 22 दिसंबर को पेश नहीं हुए थे तेजस्वी। पुंछ आतंकी हमले में कानपुर का लाल शहीद, बेटे का वादा याद कर बिलख रहा परिवार, पिता ने सरकार से छोटे बेटे को नौकरी और शहीद बेटे का स्मारक बनाने का आग्रह किया। देश की खातिर बेटे चंदन की शहादत पर पिता को गर्व, एक बेटे के बलिदान के बाद भी दोनों बेटों को देश सेवा के लिए सेना में लेने के लिए सरकार से आग्रह किया। राजौरी और पुंछ में आतंकी हमले पर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा, पूछा ये कैसा नया कश्मीर जहां पर जवान भी नहीं है सुरक्षित। जम्मू कश्मीर के अखनूर में पाकिस्तान की नापाक हरकत बेनकाब, आतंकी घुसपैठ की कोशिश को सेना ने किया नाकाम, जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर, शव को लेकर भागे घुसपैठी। पाकिस्तान ने छंब सेक्टर में कराई घुसपैठ की कोशिश, ध्यान भटकाने के लिए चौकी में लगाई आग, घुसपैठियों की संख्या 4 से ज्यादा होने का दावा। 21 दिसंबर को हुए आतंकी हमले के बाद राजौरी और पुंछ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, राजौरी और पुंछ में बंद की गई इंटरनेट सेवा। देश से बाहर अलगाववादी ताकतों को समर्थन देने वालों को विदेश मंत्री की 2 टूक, कहा अलगाववादियों को नहीं मिलनी चाहिए स्पेस। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने महेश कुमावत की 13 दिनों की पुलिस कस्टडी को बढ़ाया, 13 दिसंबर को हुए संसद कांड का आरोपी है महेश। दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक जारी, थोड़ी देर में गृहमंत्री अमित शाह मीटिंग में होंगे शामिल, लोकसभा चुनाव और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर समीक्षा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी जारी करेगी लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, चुनावों के ऐलान से पहले ही करेगी घोषणा, जनवरी के आखिरी हफ्ते में आ सकती है पहली लिस्ट। 2024 के चुनाव के लिए शुरू हुई सुरों से सियासत, भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी के सांसद निरहुआ ने मोदी सरकार के समर्थन में जारी किया गीत, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गीतों में पिरोया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी से की मुलाकात, चुनाव के दौरान दी गई गारंटी पर की गई पहल की दी जानकारी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती आज, दिल्ली में किसान घाट पहुंचकर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने श्रद्धांजलि अर्पित। किसानों के सम्मान समारोह में बोले योगी आदित्यनाथ, कहा देश के इतिहास में पहली बार किसी सरकार के एजेंडे का हिस्सा है किसान। समाजवादी पार्टी के विरोध के बावजूद यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बीएसपी को न्योता, कहा मायावती को भी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में आना चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पी चिदम्बरम के नेतृत्व में बनाई घोषणा पत्र कमेटी, प्रियंका, सिद्धारमैया, शशि थरूर, इमरान प्रतापगढ़ी समेत कुल 16 नेता कमेटी में शामिल। कांग्रेस राष्ट्रीय गठबंधन कमेटी की पहली बैठक जारी, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग को लेकर हो रही है चर्चा। इंडिया गठबंधन पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, कहा इंडिया अलायंस से बीजेपी में है बेचैनी, बिहार में किसी से लड़ाई नहीं। तेजस्वी यादव पर नित्यानंद राय का पलटवार, आरजेडी को बताया परिवार की पार्टी, कहा लालू जी नीतीश को दिखाएं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं, कोई समन्वय नहीं, कोई नेता नहीं। कर्नाटक सरकार ने हिजाब पहनने पर लगी पाबंदी को हटाया, सिद्धारमैया ने कहा अब हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं, बीजेपी की बोम्मई सरकार में लगा था बैन। हिजाब के मामले पर फिर से गरमाई कर्नाटक की सियासत, बीजेपी के नेता येदियुरप्पा का बयान, मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए सिद्धारमैया ने लिया फैसला। हिजाब पर कर्नाटक सरकार के फैसले का आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने समर्थन किया, कहा खाने पीने और पहनावे की आजादी संवैधानिक अधिकार। साक्षी के संन्यास लेने के बाद पहलवान बजरंग पुनिया ने लौटाया पद्म पुरस्कार, पुनिया ने पीएम मोदी से बेटियों की इज्जत बचाने का आग्रह किया। साक्षी मलिक के संन्यास के बाद उनकी मां हुई भावुक, सुदेश मलिक ने कहा बेटी के करियर के ऐसे अंत की उम्मीद नहीं।
बिहार के बेतिया में लाल बाजार में भीषण आग, आग के लपटों की वजह से घंटों घरों में फंसे रहे लोग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मुंबई एयरपोर्ट पर एक शख्स के पास से 11 सांप बरामद, बैंकॉक से बिस्किट के पैकेट में तस्करी करके मुंबई लाए गए थे काले पीले और सुनहरे सांप, डीआरआई ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के उन्नाव में 10 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप, गांव वालों ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा। इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के खिलाफ नोएडा में मुकदमा दर्ज, विवेक पर पत्नी से मारपीट करने का आरोप, 16 दिन पहले 6 दिसंबर को यानिका से हुई थी उनकी शादी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में हत्या के आरोपी के घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर, एक हफ्ते पहले युवक की हत्या करने का आरोप, पुरानी रंजिश के चलते 4 युवकों ने किया था हमला, 3 आरोपियों के मकान जमींदोज। यूपी के सीतापुर में भीषण सड़क हादसा, हादसे के बाद मौके पर बाइक सवार 3 लोगों की मौत, एक की हालत नाजुक, मृतकों की पहचान में जुटी पुलिस। यूपी के नोएडा में लिफ्ट गिरने से हादसा हुआ, 8 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी, लिफ्ट में सवार थे 9 लोग। कोरोना के नए वेरिएंट को खतरे को देखते हुए बिहार अलर्ट पर, सरकार ने आरटीपीसीआर जांच की संख्या को बढ़ाने का निर्देश दिया, पटना गया दरभंगा एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की होगी रैंडम जांच। कोरोना को लेकर पंजाब सरकार ने जारी की एडवाइजरी, भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों को दी गई मास्क पहनने की हिदायत। कानपुर आईआईटी कैंपस में स्पीच देने के दौरान बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर समीर खांडेकर की हार्ट अटैक से मौत, एलुमनाई मीट को संबोधित कर रहे थे प्रोफेसर। अयोध्या में श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण से पहले हुआ ट्रायल, रनवे पर उतरा एयरक्राफ्ट, अयोध्या के डीएम ने कहा काफी हद तक रहा सफल। दलाई लामा पहुंचे बिहार के बोधगया, महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी, पूरा इलाका सफेद चादर से ढका, सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने के काम में जुटा प्रशासन। दिल्ली एनसीआर में कोहरे और शीतलहर का असर, तापमान में गिरावट दर्ज, ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे लोग।